आज पूरा देश शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष के इस प्रेरणा काल में ये क्रांतिकारी न केवल हमारे लिए असीम प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक भी हैं। मैं इन अमर शहीदों को सदन की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम इन अमर शहीदों के साथ साथ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया और एक स्वाधीन सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब इन अमर शहीदों की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए स्वयं के जीवन में राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का संकल्प लें। प्रत्येक नागरिक द्वारा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध और निर्वहन इस अमृत काल में हमारा सामूहिक चरित्र बनना चाहिए और इससे इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस सदन के प्रत्येक सदस्य की है। हमारा व्यवहार, हमारे द्वारा कर्तव्यों का पालन देश के प्रत्येक नागरिकों को प्रेरणा दे। हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें, एक बार फिर इन अमर शहीदों के चरणों में हमारा नमन अर्पित करता हूं। ये सभा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।